ये कहानी है लक्ष्मी की, जो सेठ बलदेव सहानी के घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के तीन भाई थे जो गांव के साहूकार थे। तीनों के तीनों हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे और लक्ष्मी अपने तीनों भाइयों की जान थी। जब लक्ष्मी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। यजमान, बिटिया की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वो एक बहुत ही साधारण परिवार का है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी बेटी को अपने घर ही रखने वाले हैं, हमें तो घर जमाई चाहिए। लेकिन यजमान, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव है, ये युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बातें सुनकर सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। और फिर कुछ महीनों में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। शुरू शुरू में दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की माँ सरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की। ना इस घर में ढंग का सोफा है, ना गद्देदार पलंग और ना ही टीवी। ए जी, आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। नहीं लक्ष्मी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी छोटी बातों पे विमल से झगड़ा किया करती। उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन फेंक फेंक कर विमल को मारती। विमल बेटा, ये क्या है, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? माँ, ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके बाप के घर में जाकर रहूं, घर जमाई बनकर। भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और इसीलिए हमारी रोज अनबन होती है। एक काम कर, तू उसे अच्छे से समझा कि अब यही उसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने घर चलने के लिए जोर डालने लगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको यहाँ गरीबों की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा के पास सब कुछ है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। अगर आप खुद से मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं मेरे भाइयों से बोलकर आपको जबरदस्ती यहाँ से उठवा लूंगी। बहू की ये बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। इसके तीनों भाई तो इतने शक्तिशाली हैं, मेरे बेटे का क्या हाल होगा, ये मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो किसी गरीब की बेटी ब्याह लाती, कम से कम कोई आफत तो नहीं आती, अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपनी पूरी दुख भरी दास्तान बताई। अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ। ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बलों को दबाना चाहते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है, सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है, जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। बाबा जी, मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी? वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। कोई है यहाँ? क्या आज एक इंसान यहाँ खुद चलकर आया है? वो भी मेरा खाना बनने।
मैं आपसे मिलने आई हूँ। मिलने? मुझसे? हाँ। वो भी खुद चल के? बताओ बताओ क्या बात है। सरिता ने डायन को अपनी कहानी सुनाई। उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूंगी। तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ तुम में आ जाएंगी। तब मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम डायन बनके यहीं गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी में निकल सकोगी बाहर, क्योंकि डायन की शक्तियाँ सिर्फ रात को ही काम करती है। क्या तुम्हें ये मंजूर है? विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़े तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियाँ सरिता में चली गईं और अब डायन आजाद होकर एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई। यहाँ पूरा दिन हो गया था। विमल ने गांव में जाकर माँ को ढूंढा लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रात को वो घर पहुंचा तभी लक्ष्मी उस पर बरस गई। ये सब सरिता अपनी शक्तियों से देख रही थी और उसी समय सरिता डायन के रूप में वहां पहुंची। सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई। सरिता जोर जोर से हंसने लगी। जैसे तैसे रात को लक्ष्मी सो गई और सुबह होते ही अभी अपने भाइयों को बताती हूँ कि आपने मुझे बेलन से मारा। लक्ष्मी दरवाजे से पांव बाहर डाल ही रही थी कि सरिता ने अपने हाथ लंबे कर लक्ष्मी के पांव पकड़ लिए। अब तुम इस चौखट के बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेतुका करने जाती थी, सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और बेचारी लक्ष्मी डायन से डर कर घर के कोने में दुबक कर बैठी रहती। हाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। विमल दिन रात अपनी माँ को याद करके रोता। तू कहाँ है माँ? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? बेटा विमल, मैं यही हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। ये सब सुन विमल बहुत डर जाता है। डर मत बेटा, बस मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया। जा रही हूँ, मगर एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की भी तूने या तेरे घर वालों ने सोची तो मैं यहाँ फिर आ जाऊंगी। जी 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 माँ जी। तभी तो कहते हैं माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। माँ एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी